धर्मांतरण का कुचक्र मिशनरियों के द्वारा चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर हिंदू समाज को कैसा खत्म किया जाए, दोनों समाज के द्वारा किया जाता है। हम लोग सरकार तुरंत उस पर कानून बनाए, कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग कर देंगे। लड़ाई अधर्म के खिलाफ है, इसके जिम्मेदार हम लोग वहाँ के जो रह रहे ट्रस्टी को मानते हैं और वहाँ की सरकार जो पूर्व में थी उनको हम मानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। तिरुपति मंदिर में हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ के बाद से ही पूरे देश में हिंदुओं में आक्रोश का माहौल बना हुआ है और इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा आज विशाल प्रदर्शन एवं रैली की जा रही है, जिसमें संत समाज भी जो है वो जोरों से हिस्सा ले रहा है। आइए यहाँ पर बैठे पूजनीय संतों से पहले बात करते हैं। सर, जिस तरीके से हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? क्या क्या कहना है, इसमें कहना नहीं, करना है। हाँ सर, क्या करेंगे आप? हम लोग सरकार तुरंत उस पर कानून बनाए, कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग कर देंगे। हाँ, छोड़ेंगे नहीं। मांगे क्या है आपके, क्या सरकार क्या कानून बनाए और क्या फैसला ले? बात है, ये जो प्रसाद में वगैरह में जो मिलावट होती है वो क्या होती है, तिरुपति के जो व्यवस्थापक हैं वो एक ईसाई को बना दिया उन्होंने, कहीं मुसलमान बिठा देते हैं। हज कमे वो क्या बोलते हैं, जब प्रयाग में कुंभ हुआ उसके प्रमुख आजम खां बन जाता है। ये क्या है भाई, हिंदू समाज का काम हिंदू समाज करेगा, हमारे संत करेंगे, बड़े कोई हिंदू नेता करेंगे। और मठ मंदिर को सबको मुक्त करना चाहिए सरकार के इससे। हाँ, ये सबसे बड़ी मांग हमारी, मठ मंदिर को मुक्त करना चाहिए। सेक्युलर देश है, सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? बिल्कुल, इसमें जितना भी अधिकार में सरकार ने मंदिरों को लिया है उसको मुक्त करना चाहिए और उसको जो है हिंदू संगठन है, साधु संत का जो समिति है उसको जो है सौंपना चाहिए। क्योंकि देखो, सरकारों के अधिकार में जितने भी मंदिर हैं इसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं, सब सरकारी विभाग के लोग हैं और कई प्रकार के इसमें मांसाहारी हैं, अलग अलग विधर्मी भी प्रकार के लोग भी हैं। तो हमारा मांग है कि उसमें सिर्फ सनातन जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिनके भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो लोग मंदिर को संचालन करें, उसमें व्यवस्था को संभालें, तो कभी भी कोई घटना नहीं होगा वहाँ पर। अब कितने प्रकार के लोग थे बताओ, वहाँ पर कितने सारे भक्तों को, साधु संतों को चर्बी खिलाया गया, मछली का तेल खिलाया गया, तो ये धर्म को भ्रष्ट करने का एक भ्रम फैलाया जा रहा है। तो इसमें दोषी किसको मानते हैं महाराज? इसमें दोषी तो दरअसल किसी एक व्यक्ति को नहीं कह सकते, उस प्रदेश के सरकार को, वर्तमान के सरकार को ही दोषी कहेंगे। तो तिरुपति बालाजी का जो घटना हुआ उसमें जगनमोहन रेड्डी जी तो मुख्यमंत्री वही थे, उसमें तो उन्हीं का दोष माना जाएगा और उनके ऊपर कठोर कार्यवाही भी होना चाहिए। अच्छा, एक व्यक्तिगत प्रश्न है, ये गदा लेके चल रहे हैं आप, गदा किस चीज का सिंबल है? आज इतनी बड़ी प्रदर्शन है, रैली है, ये गदा दरअसल क्या है कि हमारे सनातन धर्म में शास्त्र का तो विशेष महत्व है, शास्त्र के साथ शस्त्र का महत्व है। जैसे पुलिस वाले चलते हैं तो डंडा बंदूक लेकर चलते हैं, तो हम जो है शस्त्र लेकर चल रहे हैं कि भगवान के रक्षा के लिए। पहले तो हम लोग अहिंसा परमो धर्मा वाले हैं, हम एक चींटी को भी मारना पसंद नहीं करते, परंतु जब बात धर्म की आती है तो धर्म हिंसा तथा वचा, इसलिए इसको लेकर के चल रहे हैं। लड़ाई किसके खिलाफ है और आज क्या करने वाले आप? लड़ाई अधर्म के खिलाफ है, आज हम लोग जो है आए हैं तो अधर्म के खिलाफ है और हमेशा हम लोग अधर्म के खिलाफ ही रहते हैं। आज हम लोगों का मांग है कि सरकारी मंदिरों से जो है वो अधिकार को हटाया जाए और हमको जो है सनातनियों को अधिकार दिया जाए, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, चाहे कोई भी साधु संत समिति है, उनको दिया जाए। तो अभी आपने सुना कि संतों का कहना है कि जो हिंदू मंदिर है उन्हें सरकार मुक्त करे और हिंदुओं के हवाले करे, एक सनातन बोर्ड की व्यवस्था करे और जिसके तहत जो मंदिरों के कार्यभार है उन्हें संभाला जाए, ये संतों का कहना है। यहाँ पर बजरंग दल और भी हिंदू संगठन के लोग उपस्थित है, उनसे भी बात करते हैं। सर,
क्या नाम है आपका पहले बताइए और कौन से संगठन से हैं आप? मेरा नाम अभिषेक सिंह चौहान है, मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रायपुर महानगर का सहसंयोजक के दायित्व में हूँ। जी, आप लोग एक विशाल रैली निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मकसद क्या है? जिस प्रकार हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी धाम में उनके प्रसाद में गाय की चर्बी फिश ऑयल नामक एक जहरीली विषैली रासायनिक पदार्थ मिलाकर जो मीठा लड्डू के रूप में दी जा रही है, उसी के लिए ही हमारा विरोध प्रदर्शन है कि इस तरह हिंदू धर्म का अपमान हम नहीं सहेंगे। जिम्मेदार किसको मानते हैं इसका? इसके जिम्मेदार हम लोग वहाँ के जो रह रहे ट्रस्टी को मानते हैं और वहाँ की सरकार जो पूर्व में थी उनको हम मानते हैं। सरकार के अलावा और क्या चाहते हैं आप लोग? दोषी आप मान रहे हैं, लेकिन अभी आगे क्या होना चाहिए, क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे साफ और सीधी यही है, विश्व हिंदू परिषद यह मांग करता है कि जितने भी हमारे पवित्र तीर्थ स्थल हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर हो या राम मंदिर हो, जितने भी हमारे मंदिर देवी देवताओं के विविध प्रकार के, वो सभी मंदिरों को हम सरकारी चीजों से छूट कराना चाहते हैं। वहाँ पे एक सनातनी बोर्ड बना जाए और हिंदू धर्म के अनुसार उसका रीति नीति पालन हो। जी, जय श्री राम। जी, यहाँ पास और भी बजरंग दल के बड़े कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं, आइए उनकी ओर रुख करते हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं महाराज, क्या मांगे क्या है, सबसे बड़ी मांगे क्या है? क्योंकि जो घटना हुई है उसमें पूरी की पूरी सरकार की को भी लेके आप ताना कस रहे हैं, ट्रस्टियों को भी के ऊपर भी सवाल उठा रहे, तो अब मांगे क्या है आपकी? देखिए, एक बड़े लंबे समय से हम लोग एक मांग करते आ रहे हैं, समस्त हिंदू समाज इस मांग को करता आ रहा है कि मंदिरों का जो अधिग्रहण सरकार के हाथों में है यह छूटना चाहिए, क्योंकि सरकार कब कुछ मानसिकता के लोगों की बनेगी ये हमको मालूम नहीं। अगर हिंदू मानसिकता की अगर सरकार नहीं है तो मंदिरों की तरफ ठीक ध्यान नहीं रखने वाली, ठीक राख रखाव नहीं करेगी, उसकी धार्मिक आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ निश्चित तौर पर करेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि इस्लामिक मूवमेंट जिस तरीके से लॉ जिहाद को चलाया हुआ है, हिंदू बहनों को प्रेम जाल में फंसाना और बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री बनाना, ऐसा एक अभियान उनका चल रहा है, और ठीक उसी प्रकार धर्मांतरण का कुचक्र मिशनरियों के द्वारा चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर हिंदू समाज को कैसे खत्म किया जाए, दोनों समाज के द्वारा किया जाता है, और इन समाज के लोगों के हाथों में अगर हमारा धार्मिक स्थल आएगा तो जो तिरुपति में हुआ है वैसा ही सारे मंदिरों पर होता आएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि तिरुपति में जो घटना घटी वैसे ही छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ में भी पाया गया कि भगवान का जो प्रसाद का चढ़ाने का जो प्रसाद बनने का स्थान था वहां भी पोल्ट्री फार्म जैसे जगह पर प्रसाद बन रहा था। ये हमारी आस्था के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, इसलिए आज इस आयोजन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि हिंदुओं का संपूर्ण धार्मिक स्थल हिंदुओं के द्वारा संचालित किया जाए, हिंदुओं के पूज्य संत पूज्य साधु और हिंदू समाज उसका संचालन करे, इस मांग को लेकर के आज हिंदू समाज एकत्रित आया है। सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, लेकिन पंथ निरपेक्ष देश में सनातन बोर्ड की प्रक्रिया कहां तक सही हुई है? मैंने सनातन बोर्ड की मांग की बात नहीं करी है अभी, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि धार्मिक स्थल हिंदुओं का है, वो हिंदुओं को सौंपा जाए, वो उसका संचालन करेगा, ये अभी मांगे हमारी। आज क्या करने वाले प्रदर्शन रैली के दौरान, क्या रहेगी मांगे, किस तरीके से पूरी क्रिया करेंगे, क्या पूरी प्लानिंग है? मैंने जिस बातों को रखी आपके सामने में यही हमारी मांग है, इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री के पास मांग करने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक उदाहरण प्रस्तुत करे संपूर्ण देश के अंदर में, हिंदू मठ मंदिर हिंदुओं के हाथ में दिया जाए, हिंदू समाज उसका संचालन करेगा, यही मांग को लेकर के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। तो ये बजरंग दल के लोग हैं जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक ट्रेंड सेट करे और एक देश के बीच में एक ट्रेंड सेट करे कि हिंदुओं के जो मंदिर है वो हिंदुओं के हाथ में हो और वहां की सारी व्यवस्था हिंदू देखे, हिंदू संभाले। तिरुपति की घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश बना हुआ है, लोगों में देखने को आक्रोश मिल रहा है और कहीं ना कहीं प्रसाद को लेके भी लोग अब कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि ग्रहण करें या ना करें, क्योंकि प्रसाद में चर्बी मिलनी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आस्था के साथ खिलवाड़ है, और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बड़ा प्रदर्शन है जो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से यह मांग की जा रही है कि हिंदुओं के जो मंदिर है उन्हें हिंदुओं के ही हवाले किया जाए। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राजविंद्र पांडे, न्यूज प्लस 21।